एग्जाम्पल नंबर सिक्स में बातें थोड़ी अच्छे से समझनी है, तो कृपया करके तुमसे रिक्वेस्ट है अच्छे से सुनना एक बार, है ना। क्या कह रहा है, आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये कि स्पीड जब ट्रेन चली थी तब से लेके बीच में कितने भी स्टैंड आए हों वो सब सेम स्पीड से आए थे, मतलब रुकी नहीं वो कहाँ पे, एक्सप्रेस थी कुछ। ओके, देयर इज ए सम डिफेक्ट इन ट्रेन इंजन, इंजन में डिफेक्ट हो गया। थोड़ी सी इस लाइन को समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन थी, उसको यहाँ से यहाँ बना लेता हूँ, थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, यहाँ ए से लेके बी तक जाना था, ठीक है। हमें नहीं पता कितना दूर जाना था, बट उसने क्या कहा, आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, तो उस ट्रेन ने जब 30 किलोमीटर चली, वो कितना, बस 30 किलोमीटर ही चली, तब उसके इंजन में कुछ डिफेक्ट आ गया, कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गई, सर्विस नहीं करवाते होंगे टाइम पे इन ए ट्रेन इंजन, एंड देयर फोर तब इट्स स्पीड इज रिड्यूस टू 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। इस लाइन का मतलब समझो भाई, रिड्यूस टू 4/5, एक होता है डिक्रीज बाई 4/5 या इंक्रीज बाई 4/5, उसके अंदर हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पे रिड्यूस हो गया, मतलब ओरिजिनल अगर एक्स है तो अब कितनी है, 4/5 इतनी ही बची है, 4/5। ये कॉन्सेप्ट समझना एक, तो कि लिख लेना कहीं पे, रिड्यूस का मतलब होता है उतना ही, सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक्स में से माइनस करोगे 4/5, नो, दिस इज व्हेन डिक्रीज नॉट रिड्यूस। तो ये क्लियर रखना कि मतलब इतने में तो जिसकी ओरिजिनल स्पीड थी, फॉर एग्जांपल हम लेट करेंगे एक्स कर लेते हैं तो एक्स से चली, अब उसकी इतने रिमेनिंग के लिए कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी इट्स ओरिजिनल स्पीड। कॉन्जुगेटली द ट्रेन रीच इट्स डेस्टिनेशन लेट बाई 45 मिनट, कि पहले अगर वो मान लो तुम कहते हैं सर वाई घंटे में पहुंचती थी, तो अभी वो कितने में पहुंचेगी, वाई माइनस 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट है, ध्यान रखना घंटे में चेंज करना पड़ेगा, 45 मिनट। बात समझ में आई क्या, कि पहले कोई ट्रेन थी वो अगर सिंपल अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलती तो वाई आवर्स में पहुंचती, अभी उसकी स्पीड 30 किलोमीटर के बाद कुछ कम हो गई है तो उसको 45 मिनट ज़्यादा लगेंगी। लॉजिक समझ में आया, मैं इसको एक बार इक्वेशन बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि सर स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड कितनी है ट्रेन की, एक्स है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो वो कितना टाइम लेगी, वाई इज टाइम, टाइम ले लेते हैं, टाइम ले रही है वो वाई। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस पता कर सकते हो टोटल, यस सर, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस होगी स्पीड इनटू टाइम, दैट इज डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी उसको, एक्स वाई। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे अच्छा सर डिस्टेंस भी वाई ले लो फिर टाइम निकाल लो, कर ले कोई दिक्कत नहीं, बट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें दो तीन तरीके से बता दूंगा, बट इसमें तुम यही समझो कि सर स्पीड और टाइम का रिलेशन गिवन है तो हम स्पीड और टाइम को लेट कर लेते हैं, जो रिलेशन गिवन होता है उसी के साथ रिलेट करो, पूछा चाहे कुछ और है तो हम बाद में कुछ और कैलकुलेट कर लेंगे। अब मुझे बताओ अगर स्पीड एक्स है टाइम वाई है तो डिस्टेंस एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब मुझे बताओ अगर वो इतने दूर 30 किलोमीटर एक्स स्पीड से चलती है तो टाइम कितना लेगी इतनी देर में, बता दो बस मुझे। अरे भाई वो 30 किलोमीटर एक्स स्पीड से चल रही है और बाकी बाद में जो टाइम उसने रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करनी थी कितनी करनी है भाई, 30 किलोमीटर तो चलो वो अपनी स्पीड से चली, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी टोटल एक्स वाई में से, 30 इतना किलोमीटर उसको और चलना है अभी, एक्स वाई माइनस 30 किलोमीटर और चलना है। बुक में कैसे कर रखा है मैं अभी थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, ओके चलो अब मजा आएगा। बुक वाले ने इसको वाई ले रखा है, उसको एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स कर रहा है, अब मजा आएगा, ठीक है। बुक में भी समझाऊँ, बुक वाला भी समझाऊंगा, चलो टाइम लगने दो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस समझ में आई तुम्हारे को कि सर टोटल अगर टोटल एक्स वाई है 30 किलोमीटर वो अपनी स्पीड पे चली, फिर कम वाली स्पीड पे, मतलब इंजन खराब होने के बाद थोड़ी धीरे धीरे उसने एकदम ऐसे बोलते हैं ना नाक का प्याई की, है ना, एकदम मतलब एक वो बोलते हैं कि बस काम चलाया उसने, तो वो काम चलाया वो इतनी डिस्टेंस में चलाया, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये एक्स स्पीड से चल रही है और ये कितनी स्पीड से, 4/5 ऑफ एक्स स्पीड से, इस टाइम उसकी स्पीड कितनी है 4/5, तो ये कितना टाइम लेगी, तुम कहोगे सर ये तो टाइम लेगी स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ये क्या, ना ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम लेगी 30/x, ठीक है। ये कितना टाइम लेगी, ये सर स्पीड अपॉन एक्स, नहीं स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये टाइम लेगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बताओ यस और नो, लेगी कि नहीं लेगी, ठीक है।
ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि सर मुझे इतनी डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है तो ये टाइम लेगी, इतनी डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, इतना टाइम लेगी, और दोनों टाइम कितने होंगे, ओरिजिनल टाइम में से 45 मिनट कम। तो इसको तुम इक्वेशन कैसे बनाओगे, सर 30 अपॉन एक्स को अगर मैं ऐड करता हूँ एक्स वाई माइनस, इसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा एक बार रुको, 4 अपॉन 5 ऑफ एक्स दैट इज वाई माइनस 45 मिनट। अब तुम देख रहे हो कि सर ऐसा करने पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है ना, समझ रहे हो बात को, बट इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें। पहली सिचुएशन समझ में, पहली इक्वेशन ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, हैड इट हैपन आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर, अगर यही सिचुएशन 18 किलोमीटर चलने के बाद होती, 30 के बाद 18, मोर बोला है, कहाँ है मोर, ये रहा मोर। तो इसका मतलब अब क्या सिचुएशन बनी कि यहाँ से यहाँ तक तो ट्रेन को जाना था, तो ट्रेन है ए, स्पीड है उसकी एक्स, अब वो कितना चली, 35 है क्या, नहीं 30 प्लस 18 दैट इज 48 किलोमीटर जब चली तब ख़राब हो गई, तो रिमेनिंग के लिए उसकी, इसके लिए तो तुम कहोगे सर स्पीड एक्स है, और इसके लिए स्पीड कितनी है जल्दी बोल, सर इसमें स्पीड है 4 अपॉन 5 ऑफ एक्स, ठीक है स्पीड उतनी है, तो इतनी स्पीड से चली, तो ये कितना डिस्टेंस बचा उसका, सर टोटल एक्स वाई में से बचा इसका 48, माइनस कर दो। अगर ये वाई टाइम लेती है तो इसके लिए कितना टाइम लेगी, सर इसमें देखो क्या कह रहा है, द ट्रेन हैव रीच 9 मिनट अर्लियर, 9 मिनट जल्दी पहुँच जाएगी, मतलब पहले इतने टाइम में पहुँच रही थी, अब 9 मिनट जल्दी, तो पहला टाइम था इसका वाई माइनस 45, इतने टाइम पर पहुँच रही थी, अब कितना कम लेगी, 9 मिनट अर्लियर, प्लस 9 कर दूँ क्या, ध्यान से देखो क्या प्लस 9 कर दूँ, ध्यान से देखना बेटा क्या मैं प्लस 9 कर दूँ, ओके रुको, इसने कुछ गलत किया क्या अपने साथ, चलो कोई नहीं देखेंगे, तो ये 9 मिनट जल्दी पहुंचेगी, ठीक है सर, अच्छा ये गलत, अब अरे भाई लेट है तो लेट में प्लस लेना पड़ेगा, ओके लेट में तुम्हें प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है, और ये जल्दी पहुंच रही है मतलब माइनस 9 करना पड़ेगा, इसलिए मैं समझ गया गलती हो गई थी कि सर लेट है तो 45 मिनट ज़्यादा करो, कम मत करो आप, ओके। अब इसको इक्वेशन बनाओ, सर इसमें टाइम कितना लगा, किसमें, इतने काम में, सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके, इसमें टाइम कितना लगा, सर इसमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है भाई ये ले, और टोटल टाइम कितना लगा, तो इसको लोग लिखेगा वाई प्लस 36, सही का 45 माइनस 9, तो ये मिनट में है, इसको आवर्स में चेंज करना है। अब सर एक सिचुएशन ये, दूसरी सिचुएशन को मैं कैसे लिखूँगा, दूसरी सिचुएशन को मैं लिखूँगा 48 अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 48 अपॉन 4 अपॉन 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 36 अपॉन 60 लिख दूँ मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए, और यहाँ पे 45 अपॉन 60 लिख दूँ, अब तो सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, ठीक है, अब इनको हमें चेंज करना है बस। अब हमें इसमें से पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड कितनी ली है हमने एक्स, एंड द डिस्टेंस ऑफ जर्नी, जर्नी के लिए एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब टाइम फालतू में कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है कोई नहीं, मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के बुक वाले तरीके से दिमाग काम नहीं करा, ऐसे किया, तो वो क्या करेगा, सर इधर तो 30 अपॉन एक्स ही है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ 5 ऊपर दे देता हूँ, तो ये मेरा बनेगा 5 इंटू एक्स वाई माइनस 30 अपॉन 4x इज इक्वल टू, ये कट रहा है क्या, तो ये बन रहा है y प्लस 3 अपॉन 4, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लो, x और 4x का एलसीएम आया 4x, तो 4 इससे मल्टीप्लाई 120, ठीक है, प्लस इधर 4x है तो इधर पूरा अंदर होगा, तो 5xy माइनस 150, इधर करोगे तो क्या आएगा सर 4y प्लस 3 अपॉन 4 आएगा, ठीक है भाई, 4 से 4 कट गया, और 120 और 150 में कितना डिफरेंस होता है, सर माइनस 30 का होता है, अपॉन में x इज इक्वल टू 4xy प्लस 3x, ठीक है, क्लियर है ना भाई, ये x भेज दिया मैंने उधर ही सीधा। अब देखो क्या करोगे, सर 5xy माइनस 4xy इज 3x प्लस 30, तो इधर से आया एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 330, ये सर देखो एक्स वाई आ रहा है और हमें एक्स वाई ही कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना भाई एक्स वाई कैलकुलेट करना है। एक बार इस इक्वेशन को मैं यहीं रखता हूँ,
देखो, जब हम कुछ अलग तरीके से लेट कर लेंगे तो अपनी प्रॉपरली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं बनेंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमें सोल्व किसको करना है, इस पार्ट को करना है, तो मैं इसको यहाँ लिख कर सोल्व कर लेता हूँ। बोर्ड छोटा पड़ गया आज अपना, इतना बड़ा बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है, मतलब बुक वाला कितना अन्याय कर रहा है तुम्हारे साथ। प्लस इसको 5 ऊपर दे दूँ तो प्लस 5 इंटू एक्स वाई माइनस 48 अपोन में क्या लिखेगा तू, 4x इज इक्वल टू, इसको कट रहा है क्या, 6 और 10, 6 से कटे दोनों को, है ना। फिर इसको 3 और इसको 5, 2 से काट लिया, 3/5। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, y प्लस 3/5। ओके, सोल्व कर इसको। तो इसको तो क्या कहेगा, सर 4x वापस से कॉमन लो आप, 4x कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, 48 इंटू 4 हो गया, प्लस इधर 4x है तो इसको 5xy माइनस 5 इंटू 48 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 5y प्लस 3/5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं इसमें एक तरीका अपनाता हूँ, 48 इंटू 4 है, 5 इंटू 48 है, 48 कॉमन ले लूँगा, 4 माइनस 5 बचेगा, दैट इज़ माइनस 1, तो माइनस के 48 आ जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 5xy माइनस 48 अपॉन 4x इज इक्वल टू 5y प्लस 3/5। ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है बेटा। मैं इसको इरेज कर दूँ एक बार, इस पार्ट को कोई काम का नहीं, अपने समझ तो हमने पहले ही लिया था। चलो अब मैं यहाँ पे एक बार सोल्व करता हूँ। अब मुझे बता, इसको सोल्व करेगा तो क्या आएगा, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 5xy माइनस 48 इज 4x इंटू 5y प्लस 3। सोल्व कर, क्या लिखेगा, 5 5 25xy माइनस 48 इंटू 5। मैं किसी की हेल्प ले लेता हूँ फटाफट, 48 इंटू 5 दैट इज 240। ओके, इज इक्वल टू 5 4 20xy प्लस 12x, इधर लेके आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो इधर से आएगा 25xy माइनस 20xy इज इक्वल टू 12x माइनस प्लस का 240, प्लस प्लस है ना। इधर से बचे 5xy इज इक्वल टू 12x प्लस 240। क्या करें सर, ये है xy और ये है 5xy की वैल्यू, तो मैं इस xy की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ एक बार के लिए, कर दे, तो तू क्या लिखेगा, 5 इंटू 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 12x प्लस 240। सोल्व करते हैं, 15x प्लस 150 इज इक्वल टू 12x प्लस 240। देखो 15x है, इसको इधर लेके आ, 15x माइनस 12x इज 240 माइनस 150, तो यहाँ से आया 3x इज इक्वल टू 90 बचा। ओके, 90, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। क्या मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या x की वैल्यू 30 आ रही है, नहीं आ रही, बस। अरे वाह, मतलब अलग तरीके से किया है, क्या मज़ा आ रहा है। x की वैल्यू 30 आ गई, अब y की चाहिए, तो कहाँ रखोगे, x की वैल्यू इसमें पुट करो, x की वैल्यू 30y इज इक्वल टू 3 इंटू 30 प्लस 30। तुम क्या कहोगे, सर 30y की वैल्यू कितनी है, 90 प्लस 30, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 30 120, 120 अपॉन 30 दैट इज 4, तो ये 4 क्या आया है, घंटे। मतलब अगर वो ट्रेन पूरे रास्ते 30 की स्पीड से चलती तो कितना टाइम लेती, 4 घंटे लेती। अब हमें क्या निकालना है, एक्स इंटू वाई दैट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, सर डिस्टेंस आ जाएगी एक्स इंटू वाई होती है दैट इज 4 × 30 इज 120 किलोमीटर। उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 120 किलोमीटर। एक टाइप तो ये था, समझ में आया सबको भाई, कैलकुलेशन पार्ट था मैंने तुम्हें समझा दिया, लॉजिक क्या था वो समझ लिया था। अब मैं तुम्हें बुक वाला मेथड समझाता हूँ कि बुक में क्या बोला है वो। बुक में कुछ नहीं बोला, उसने क्या किया, उसने डिस्टेंस को लेट कर लिया। देखो अभी समझाता हूँ, टेंशन मत लो यार, आप अनूप सर के साथ पढ़ रहे हो तो मेरे बच्चे एकदम ऐसे ऐसे दिखने चाहिए, सर सब आता है, हमें पढ़ लिया उतना तो पढ़ लिया उतना, ठीक है। अब ये क्या बोला था, देखो वो बोला कि एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जानी थी तो ए से बी तक जाना था, ठीक है। तुमने कहा है, सर उसकी स्पीड ले लेता हूँ एक्स किलोमीटर पर आवर और उसकी टोटल डिस्टेंस ले लेता हूँ वाई, तो मुझे पता टाइम कितना लगेगा। सर देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो इसका मतलब वाई अपॉन एक्स आवर्स लगेगा। इक्वेशन बना के दे दूंगा, सोल्व तो कर लेना। फिर उसने क्या कहा कि वो जो ट्रेन है वो कितने किलोमीटर चली, 30 किलोमीटर चली, तो कितनी स्पीड से चली, स्पीड थी इस टाइम पे उसकी एक्स। फिर वो जो रिमेनिंग पार्ट था कुछ खराबी आने से वो 4/5 ऑफ एक्स स्पीड से चली,
कितना डिस्टेंस? सर टोटल में से 30 कम कर दो। टाइम कितना लिया? ओरिजिनल टाइम से 45 मिनट ज़्यादा लिया। ये बोला था, ये बोला है, ये सिचुएशन समझ में आई। अब तुम कहोगे सर इतने का टाइम कितना है? इसका टाइम होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, 30 अपॉन एक्स। ओके, इसका टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसको चेंज कर ले इस टाइम को, टोटल टाइम को, y अपॉन एक्स प्लस 45 अपॉन 60 लिख दूँ आवर्स के लिए। वो मिनट में है, इसको आवर्स में चेंज किया। चलो अब तुम ऐड करोगे इसको, तो ये आएगा सर 30 अपॉन एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 30 अपॉन 4x। अभी थोड़ी देर पहले समझाया इसको, और इज इक्वल टू y अपॉन एक्स प्लस 15 फोर जा, ठीक है, 3 अपॉन 4 बन जाएगा, 15 थ्री जा 60, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो सर ये होगा 3 इंटू 4, एलसीएम ले लिया मैंने, 5y माइनस 150 अपॉन 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3x अपॉन 4x। 4x एलसीएम आया, 4 इसको दिया 4y, x इसको दिया 3x, तो 4x से 4x कट गए, एक काम तो खत्म। इसको लिखा 120 प्लस 5y माइनस 150 इज इक्वल टू 4y प्लस 3x। सोल्व कर सर, 5y माइनस 30 इज इक्वल टू 4y प्लस 3x है। इसको x को इधर ले आता हूँ, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 30, ये मेरी इक्वेशन बन गई। मैं कर क्रॉस चेक कर लेता हूँ, बुक में यही गिवन है क्या, 3x माइनस y इज प्लस 30 गिवन है, ठीक है, उसको इधर लेके आया, समझ में आया। दूसरी सिचुएशन में क्या बोला, मैं थोड़ा दिखूंगा नहीं तुम्हें, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट दिखना चाहिए। सर वो A से B तक गई, जानना था उसको, ठीक है, x स्पीड से चल रही थी और y डिस्टेंस कवर कर रही थी, बट अब क्यों इंजन 18 किलोमीटर ज़्यादा के बाद खत्म हुआ, ख़राब हुआ, तो अब क्यों 48 किलोमीटर तक वो चली, कितनी स्पीड से, x स्पीड से, तो टाइम कितना लेगी सर, टाइम लेगी स्पीड अपॉन x, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो रिमेनिंग कितना बचा सर, रिमेनिंग y माइनस 48 बचा, और कितनी स्पीड से चली, 4 अपॉन 5th ऑफ ओरिजिनल स्पीड। तो हम यहाँ से टाइम कितना निकालेंगे, टाइम निकलेगा सर y माइनस 48 अपॉन 4 अपॉन 5 ऑफ x। अब क्या कर रही है वो सर, पहले अगर 45 मिनट लेट पहुँच रही थी, तो अब 9 मिनट ज़्यादा जल्दी पहुँच रही है, थोड़ा सा 9 मिनट जल्दी पहुँच रही है। तो तुम इसको y प्लस 36 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अपॉन 60 आवर्स के लिए। अब वापस ऐड कर लो, 48 अपॉन x प्लस y माइनस 48 अपॉन, इसको ऊपर 5 दे देता हूँ, अपॉन 4x इज इक्वल टू, इसको काट लो 6 10 3 5, है ना, तो इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 5। वही कैलकुलेशन है, कर लोगे अब, तो तुम कैलकुलेशन कर लोगे इसकी, वापस से इक्वेशन बनेगी, एक्स वाई निकालोगे अब क्यों, तो x स्पीड होगी, स्पीड पूछा है, और y जो डायरेक्ट आई वो तुम्हारी डिस्टेंस होगी, सेम आएगा आंसर, क्लियर है, समझ में आया ना, मज़ेदार। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 7। इस एग्जांपल में भी ट्रेन का ही कॉन्सेप्ट है, बट नया कॉन्सेप्ट है, समस्या देखो, एक ट्रेन है कवर करती है सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब क्या कि एक ट्रेन जा रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ट्रेन जा रही है, वो ए से बी तक जा रही है समझने के लिए, तो वो क्या कर रही है, सर्टेन डिस्टेंस मतलब एक फिक्स डिस्टेंस है, तो हम तुम डिस्टेंस को लेंथ ऑफ जर्नी पूछिए, वाई लेट कर लो, और स्पीड हमें यूनिफॉर्म गिवन है, तो हम स्पीड को भी लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट किया कि सर स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर। अब एक टाइम भी तो लेगी वो, तो अभी देखो बुक वाले ने डिस्टेंस को लेट नहीं किया है, तो हमने प्रीवियस में टाइम को लेट कर लिया था, तो मैं बुक वाले की तरफ से चल रहा हूँ, है ना, तुम करके देखना, हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलो फिर हम लेते हैं कि वो कितना टाइम ले रही है, टाइम ले रही है वो वाई आवर्स। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी हुई, एक्स इंटू वाई हुई कि नहीं हुई, अभी तो कैलकुलेट किया था कि सर डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ तक हमारे को ये पता चल गया कि वो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्स वाई, क्लियर है बेटा। ओके, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, एक्स प्लस 6 हो गई, तो वो यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, गई, पहुँच गई, क्या पहुँची, वो बोला इट वुड टेक हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, मतलब पहले जो टाइम ले रही थी उससे 4 घंटे कम ले रही है, तो अब कितना लेगी, y माइनस 4, ठीक है, और अभी डिस्टेंस जो आएगी वो इसी के इक्वल होगी कि नहीं होगी, तो डिस्टेंस क्या होगी बता मेरे को, जल्दी से बता डिस्टेंस क्या होगी सर, डिस्टेंस होगी स्पीड इंटू टाइम, मतलब x प्लस 6 इंटू एक्स, वाई माइनस 4
तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस दोनों चेंज हो जाएंगे या इक्वल हो रहेंगे, मेरे को ये बता दे बस। इक्वल रहेंगे, ठीक है। अब वो दूसरी सिचुएशन, ये पहली सिचुएशन बोला, ठीक है। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, अब ट्रेन क्या हो गई तेरी सेकेंड सिचुएशन में, कम हो गई स्पीड, एक्स माइनस सिक्स हो गई उसकी। तो अब मुझे बताए टाइम ज़्यादा लेगी कम, तू खुद देगा सर ज़्यादा लेगी कितना। इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम का बोल रहा है, देखो प्रीवियस वाले में हमने इस टाइम के साथ रिलेशन निकाला था, बट यहाँ पे शेड्यूल टाइम वर्ड यूज़ में ले रहा है, मतलब जो फिक्स टाइम है वही टाइम से ज़्यादा। तो वाई प्लस सिक्स लिख दो यहाँ पे आवर्स। अब मुझे बता डिस्टेंस कितनी होगी सर, अभी डिस्टेंस वापस से कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस होगी स्पीड इंटू टाइम, दैट इज एक्स माइनस सिक्स इंटू वाई प्लस सिक्स। और दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस इक्वल होगी, यस। तो पहली सिचुएशन क्या लिखूँ मैं सर, एक्स प्लस सिक्स इंटू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसको सोल्व करूँगा तो एक्स वाई प्लस सॉरी माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया माइनस फोर एक्स, फिर सिक्स को किया तो प्लस के सिक्स वाई, और सिक्स फोर जा 24 माइनस के 24 इज एक्स वाई। एक्स वाई और एक्स वाई कट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से बचा माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज 24, एक इक्वेशन बन गई। हाँ तो कह रहा है टू कॉमन ले 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 ले, तो यहाँ से टू कॉमन ले ले तो बचेगा माइनस के टू एक्स प्लस के थ्री वाई इज 24, और इस इक्वेशन को तो लिख सकते हैं माइनस के टू एक्स प्लस के थ्री वाई इज 12, ठीक है। टू का डिवाइड कर दे 12, ओके कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड सिचुएशन में वो क्या बोला तेरे को, डिस्टेंस कितनी है तेरे अकॉर्डिंग, एक्स माइनस सिक्स है और वाई प्लस सिक्स है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एक्स वाई के इक्वल होनी चाहिए, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस 36 इज एक्स वाई, यही होगा। फिर से एक्स वाई कट जाएगा, और यहाँ से इक्वेशन बचेगी 6x माइनस 6y माइनस 36 इज 0। 6 कॉमन आ रहा है, 36 उधर भेज दे, तो मैं इसको इधर लिख दूँ एक बार, प्लस के 36 हो जाएंगे। 6 कॉमन ले ले तो 6 कॉमन लिया तो x माइनस y इज 36 बचा, और 6 का डिवाइड करेगा तो x माइनस y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही, दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिखूँगा, जहाँ पे भी लिखूँगा वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहले ऊपर वाली लिखता हूँ, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज 12, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो प्लस के 3x माइनस के 3y इज 18। साइन चेंज नहीं करने क्योंकि ये प्लस का ये माइनस कट गए, तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू 30। तो x 30 मतलब स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x 30 आ गया, पुट कहाँ करेगा, यही कर ले, 30 माइनस वाई इज 6, तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 30 माइनस 6 आएगा, दैट इज 24। 24 क्या आया है, आवर्स आया है क्या तेरा, 24 घंटे लेगी है, क्या बात कर रहा है, 24 घंटे, ठीक है भाई। डिस्टेंस चेक कर कितना होगा सर, डिस्टेंस कितना होगा अपना, डिस्टेंस होगा ओरिजिनल डिस्टेंस है x इंटू वाई, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 24, दैट इज 0 6 3 4 3 12 कैरी 1 3 7 120 किलोमीटर, ठीक है। अब चल मैं तेरे को है ना एक बार इसको इसको x और इसको y लेके कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, प्रोसेस को समझाता हूँ, सिंपल सा है प्रोसेस, तो तुम कर लोगे, एकदम सिंपल एग्जांपल था, है तो कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत बड़ी आती है, कुछ क्वेश्चनों में हमने देखी है, तो वो कैलकुलेशन हम भी भाई सोल्व करना सीखेंगे। और तो क्या करें, हम क्या कर रहे हैं सर, हम लेट कर रहे हैं कि डिस्टेंस वाई है, डिस्टेंस क्या है वाई, अगर डिस्टेंस वाई है तो टाइम कितना लगेगा सर, टाइम लगेगा वाई अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, आवर्स में लग रहा है। पहली सिचुएशन में वो क्या बोला कि अगर इसकी स्पीड कितनी हो जाए, स्पीड हो जाए 6, ज़्यादा बढ़ गई ना, x प्लस सिक्स हो जाए, तो स्पीड अगर x प्लस सिक्स हो जाए तो मुझे बता डिस्टेंस y रहेगी, हाँ टाइम क्या लगेगा, सॉरी टाइम क्या बता रहा है, वो टाइम बता रहा है 6 घंटे जल्दी है ना कम लेगी, मतलब ओरिजिनल टाइम से 4 घंटे कम। डिस्टेंस कितनी है वाई, ठीक है ध्यान रखना डिस्टेंस वाई है। अब मुझे बता इसकी डिस्टेंस तो कैलकुलेट करेगा तो टाइम स्पीड इनटू टाइम करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज इक्वल टू वाई, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इसको सोल्व कर लेना, एक इक्वेशन बन जाएगी तेरी, वो एक्स वाई में बनेगी वो अलग बात है, ठीक है ध्यान रखना। सेकेंड वो बोला कि अगर इसकी स्पीड कितनी हो जाए, एक्स माइनस सिक्स हो जाए, तो x माइनस सिक्स हो जाए तो टाइम कितना ले रही है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, शेड्यूल से 6 घंटे ज़्यादा, उसमें 4 घंटे ले रही थी क्या, 4 घंटे कम, अच्छा 6 घंटे ज़्यादा ले रही है, तो ओरिजिनल टाइम y अपॉन x था उससे 6 घंटे ज़्यादा। तो मुझे बता डिस्टेंस क्या बनेगी, स्पीड इंटू
टाइम इज इक्वल टू वाई, दूसरी इक्वेशन इससे बन जाएगी तेरी, और दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। वही एक्स वाई आएगा तो एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तेरे को, ठीक है ना, उस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें एग्जांपल सारे समझ में आए होंगे, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी रहा है तो एक बार एक्सरसाइज की वीडियो भी देखना, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एकदम ही समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूँ बता, मेरे पास क्या ऑप्शन है? वैसे आ जाना चाहिए, मेरे को लगता है सबको समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा नहीं आया, एक बार रिवाइज करके डबल स्पीड में वीडियो देख ले फटाफट, एग्जांपल तीन वीडियो होंगे कम से कम, तीनों को दोबारा देख लेना। ओके, थैंक यू।